हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि बिना ही किसी कारण आपके फेस पर पिंपल आ जाते हैं। कभी कभी डेड स्किन आपके फेस पर दिखने लगती है, जिसके कारण आपका फेस बहुत ही डल सा लगने लगता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेडिकल शॉप से कोई भी क्रीम लाने की ज़रूरत नहीं है। हर 15 दिनों में ऐसा बदलाव होता ही है। कभी कभी आप देखेंगे कि हर 15 दिन पर आपके फेस पर कभी बहुत ही ग्लो दिखने लगती है और कभी आपका फेस बहुत ही डल सा लगने लगता है। फिर भी दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेस से ग्लो ख़त्म हो गया है, आपके फेस पर पिंपल और फुंसी हो गई है, तो उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय होता है वह यह है दोस्तों, कि सोने से पहले आप अपने चेहरे की 2 से 5 मिनट मसाज करिए। किस चीज़ से आपको मसाज करनी है वह मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि चेहरे को मसाज करने से चेहरे की झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स कम हो जाती है। मसाज करने से यह बढ़ती उम्र के इफ़ेक्ट को भी कम करती है। मांसपेशियों का तनाव कम करती है, जिससे आपकी फेस लंबे समय तक यंग और ग्लोइंग नज़र आती है। लेकिन आपको अपने फेस पर मसाज करने का सही तरीका आना चाहिए। किस तरह से आपको अपने फेस की मसाज करनी चाहिए, मसाज करने से पहले फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लेना चाहिए। आपको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अपने फेस को धोना चाहिए। कोई भी फेस वॉश हो उसे लेकर 20 से 30 सेकंड तक मसाज करते हुए अपने फेस पर लगाएं और फिर उसके बाद अपने फेस को धो लें। इस तरह से अगर आप किसी अपनी फेस को क्लीन करेंगे तो किसी भी तरह की फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। समय से पहले कभी भी आपके फेस पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी और आपकी फेस की स्किन लंबी समय तक टाइट रहेगी, सुंदर दिखेगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं आपको अपने फेस पर नाइट में सोने से पहले किस चीज़ से मसाज करनी है। सबसे बेस्ट चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि आपको मार्केट से कोई भी कॉस्टली क्रीम नहीं खरीदनी है, कोई महंगा लोशन लाने की ज़रूरत नहीं है। बस रात में सोने से पहले कुछ सेकंड आप अपने फेस की मसाज करके सो जाइए। अगर आप रोज़ मसाज नहीं कर सकते हैं तो एक दिन छोड़कर भी मसाज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, मसाज करने से ही आपके फेस पर खूबसूरती आएगी, आपकी फेस क्लीन होगी, आपकी फेस गोरी नज़र आएगी और आपकी फेस यंग दिखेगी। तो आपको किस चीज़ की मसाज करनी है वह मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, जब आप कहीं जाते हैं तो जितना क्रीम लेते हैं अपने फेस पर लगाने के लिए, तो आपको उतनी ही क्वांटिटी में आपको एलोवेरा जेल लेना है और उतनी ही क्वांटिटी में आपको कोकोनट ऑयल लेना है और एक विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है। इस पैक में आपको इन तीनों को अब एक साथ मिक्स करना है और फिर इन तीनों को एक साथ मिक्स करके एक अच्छा से आपको एक पैक बनाना है। पैक बनाने के बाद आपको अपने हाथों पर इसे लेते हुए हल्के हाथों से अपने फेस की मसाज करनी है। मसाज करने का तरीका क्या है दोस्तों, देखें, आप चाहें तो मसाज खुद भी कर सकते हैं या फिर किसी और से भी करवा सकते हैं। फेस मसाज में आप गाल, माथे, टोड़ी, नाक पर हल्के हाथ से अपर मोशन पर मसाज करिए। अपर डायरेक्शन में मीन्स है कि अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मसाज करते हुए अपर डायरेक्शन की ओर मसाज करें। मसाज आपको कभी भी नीचे की ओर नहीं करनी है, इससे आपके फेस की स्किन लंबी समय तक टाइट रहेगी, आपके फेस पर कभी भी झुर्रियाँ या रिंकल्स नहीं बढ़े आएंगे, आपकी स्किन हमेशा हेल्दी बनी रहेगी, आपकी स्किन पर हमेशा ग्लो रहेगी और आपकी स्किन टाइट भी होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब